ओके, लेट मी टेल यू, तो जो नॉर्मल पासपोर्ट है और जो सीनियर सिटीजन के लिए पासपोर्ट बनता है, दोनों में कोई बहुत मेजर फर्क नहीं है, बहुत ही सिमिलर प्रोसेस है, बस एक दो स्टेप्स का फर्क है। अब जो एक दो स्टेप्स हैं वो ECR और नॉन ECR कैटेगरी से रिलेटेड हैं, वही मैं आपको बताऊंगी। उसी के बेसिस पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं, एनेक्सर्स लगाने पड़ते हैं, बाकी पूरा प्रोसेस बहुत ही सिमिलर सा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ECR और नॉन ECR कैटेगरी क्या है, वही मैं आपको बताऊंगी। तो जो ECR कैटेगरी है और जो नॉन ECR कैटेगरी है, दोनों में मेजर डिफरेंस एक ही बात का है। ECR मतलब इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, और जो नॉन ECR है, नॉन इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, ये मेजर डिफरेंस है। तो जो ECR वाली कैटेगरी है, उसमें किसी किसी कंट्री में जाने के लिए आपको स्टैंप लगवाना पड़ेगा पासपोर्ट पे, और एक और कंडीशन है कि अगर आपने मैट्रिक्स पास नहीं किया है या फिर आप अनएजुकेटेड हैं, तब भी आप इस कैटेगरी को चूज कर सकते हो। देखो, जो सीनियर सिटीजन्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनके केसेस में क्या होता है, कई बार कि जो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो अवेलेबल नहीं होते, या फिर बहुत सारे केसेस में अनएजुकेटेड भी होते हैं ग्रैंड पेरेंट्स, तो उस केस में आप ECR कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे, मार्कशीट तो नहीं लगा सकते 10th की, तो उसके अलावा क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो मैं आपको बताती हूं। तो सबसे पहले प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का आपको कुछ लगाना पड़ेगा, उसके केस में आप आधार कार्ड यूज कर सकते हो। दूसरे केस में प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ लगाना पड़ेगा, इस केस में भी आप आधार कार्ड या फिर कोई और दूसरा गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हो। इसके अलावा प्रूफ ऑफ एड्रेस, आपके पास अगर एम्प्लॉयमेंट की कोई कॉपी है वो आप यूज कर सकते हो, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पासपोर्ट, और अगर आपके पास कोई वर्क परमिट से रिलेटेड कोई भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है वो भी, बट दैट स्पेसिफिकली इन द केस अगर आप कहीं बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं, जॉब करने के लिए जा रहे हैं, उस केस में ये यूज होगा, तो सीनियर सिटीजन वाले केस में इसको स्किप कर सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। अब बात करते हैं नॉन ECR कैटेगरी, विच इज अ नॉर्मल कैटेगरी, जिसमें हम सारे लोग आते हैं जिन्होंने अपना मैट्रिक्स पास कर रखा है, जिन्हें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है किसी और दूसरे कंट्री में जाने की, उनके केस में सीनियर सिटीजंस कैसे आ सकते हैं। सो बेसिकली हूएवर इज 50 इयर्स ओल्ड एंड अबव, वो लोग इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। पर इस केस में आपको मैट्रिक्स यानी आपके जो 10th की मार्कशीट है, आपके क्वालिफिकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको चाहिए। तो देखो, मेजर डिफरेंस तो यही है दोनों कैटेगरीज में, अप्लाई आप दोनों कैटेगरीज में कर सकते हो, एलिजिबिलिटी आपको पता चल गई है, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे वो आपको पता चल गए हैं। नॉन ECR कैटेगरी में भी आपको बेसिक वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आपको ECR कैटेगरी में चाहिए, बस इसमें एडेड ये होगा कि आपके पास जो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स हैं वो होने चाहिए। अब देखते हैं प्रोसेस, अप्लाई कैसे करना। सबसे पहले passportindia.gov.in पर चले जाओ और होम पेज से न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन टैब पर चले जाओ। यहाँ एक फॉर्म अपीयर होगा, वहाँ पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट कर लो, जैसे मैंने गाजियाबाद किया है। इसके बाद नेम फिल कर दो, सरनेम फिल कर दो, डेट ऑफ बर्थ फिल कर दो, और ईमेल आईडी फिल कर दो। अगर आप ईमेल आईडी को लॉगिन आईडी बनाना चाहते हो तो येस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लो। इसके बाद लॉगिन आईडी ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएगी। इसके बाद पासवर्ड एंटर कर दो और सेम पासवर्ड को कंफर्म कर दो। इसके बाद हिंट क्वेश्चन और आंसर फिल कर दो। इसके बाद कैप्चा कोड दिख रहा होगा, उसको एंटर करना है और रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन के लिए कंफर्मेशन मेल आएगा, उस पर क्लिक कर दो। कंफर्म करके वेरीफाई करना पड़ेगा। इसके बाद आप फिर से होम पेज पर आ जाओ, वहाँ लॉगिन आईडी एंटर कर दो और कंटिन्यू पर क्लिक कर लो और पासवर्ड एंटर कर दो। इसके बाद कैप्चा फिल करो और लॉगिन पर क्लिक कर लो। अब स्क्रीन पर बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, इसमें से आपको अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद क्लिक हियर टू फिल द फॉर्म ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर लो और नेक्स्ट इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद RPO सिलेक्ट कर लो, उसके लिए स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। अब नेक्स्ट लैंडिंग पेज पर फ्रेश और रीइशू वाले ऑप्शन में से फ्रेश सिलेक्ट कर लो। बाकी बुकलेट टाइप सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने 36 पेजेस वाली सिलेक्ट करी है, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। और इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना। अब नेक्स्ट टैब में सारे डिटेल्स फिल करने हैं, जैसे गिवन नेम, सरनेम, जेंडर। अब इसके बाद दो ऑप्शंस आएंगे जिसमें आपको बताना है कि अगर आपका कोई और नाम है आपके फर्स्ट नेम के अलावा, इसमें आपको येस और नो करना है। अब DOB सिलेक्ट कर लो, नेक्स्ट नो सिलेक्ट कर लो। इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लो, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, मैरिटल स्टेटस सब फिल कर दो। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया में बाय बर्थ सिलेक्ट कर लो। इसके बाद पैन डिटेल्स फिल कर दो, वोटर आईडी ऑप्शनल है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट कर लो, जैसे मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट अगर आपके पेरेंट्स और स्पाउस
गवर्नमेंट जॉब में है तो येस और नो सिलेक्ट कर लो। इसके बाद क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लो। देखो मेरे केस में मैंने ग्रेजुएट एंड अबव किया है, लेकिन अगर आपके केस में ये एप्लीकेबल नहीं है तो आप नॉन क्वालिफाइड ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब अगर आप ECR कैटेगरी में एप्लीकेबल हो तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। ECR कैटेगरी में एक फॉर्म आएगा, वो फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, प्लस उसके साथ जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे वो एज अ प्रूफ आपको लगाने पड़ेंगे, और बस उतना ही करना है। अगर आप ECR कैटेगरी में फॉल नहीं करते हो तो आपको नॉन ECR कैटेगरी के साथ मूव ऑन कर जाना है। अब नेक्स्ट, अगर बॉडी पर कोई मार्क है तो उसको फिल कर दो, और नेक्स्ट आधार फिल कर दो, और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। अब नेक्स्ट टैब में आपको लीगल गार्डियन की डिटेल्स फिल करने हैं। तो सबसे पहले आप इसमें मदर्स नेम फिल कर सकते हो, जैसे मैंने एज अ गार्डियन मदर के डिटेल्स सिलेक्ट करे हैं। इसके बाद अगर आपके स्पाउस हैं तो आप उनका भी नेम फिल कर सकते हो। इसके बाद आपको सेव डिटेल्स पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट टैब में आपको अपने रेजिडेंशियल डिटेल्स फिल करने हैं। इज योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, इसमें येस या नो पर क्लिक कर दो। फिर अपना करंट एड्रेस फिल कर दो, जैसे हाउस नंबर, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पुलिस स्टेशन, पिन कोड, मोबाइल नंबर वगैरह आपको फिल करना है। इसके बाद ईमेल आईडी फिल करनी है। इस परमानेंट एड्रेस अवेलेबल में येस और नो पर क्लिक करना है। इसके बाद एक ऑप्शन आएगा, इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, उसमें आपको येस और नो पर क्लिक करना है। अगर नो करोगे तो आपको परमानेंट एड्रेस अलग से फिल करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो आप सेव डिटेल्स करके नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। अब आपको एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इसमें फिल करना पड़ेगा, जिसमें आपको नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और उसके बाद ईमेल आईडी फिल करनी पड़ेगी, और उसके बाद बस सेव डिटेल्स पर टैप करना है और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट दो ऑप्शन आएंगे, प्रीवियस / करंट इन्फॉर्मेशन, इन दोनों पर नो कर देना है, और इसके बाद सेव डिटेल्स पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, जिसमें से कोई क्रिमिनल केस है या नहीं, इस तरह के डिटेल्स आपको फिल करने, सब में आपको नो करना है। इसके बाद भी सेव डिटेल्स पर आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद के सारे डिटेल्स आएंगे, उन्हें प्रिव्यू कर लो ठीक से और नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। इसके बाद एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, उसमें डिटेल्स फिल कर दो, जैसे प्रूफ ऑफ बर्थ, इसमें आप अपना पैन कार्ड सिलेक्ट कर सकते, प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंट एड्रेस, उसके लिए आधार सेलेक्ट कर लो। इसके बाद बॉटम में प्लेस सेलेक्ट कर लो, डेट सेलेक्ट कर लो, और उसके बाद आई अग्री कर दो और सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर दो। अब इसके बाद स्क्रीन पर लिखा आएगा दैट योर फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, और इसके नीचे आएगा ऑप्शन पे एंड स्केड्यूल का। ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अपॉइंटमेंट सिलेक्ट कर लो, कैप्चा कोड फिल कर दो और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर। अब नेक्स्ट आपको लोकेशन सिलेक्ट करनी है, इसके बाद कैप्चा फिल करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद डेट सिलेक्ट करनी है और पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना है, और इसके बाद बस आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी रखनी है, प्रिंट निकाल कर अपने पासपोर्ट के फॉर्म की। इसके अलावा जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में डॉक्यूमेंट्स बताए, जो भी प्रूफ वाले डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह, वो आपको उनकी कॉपीज निकाल के रखनी पड़ेंगी। अगर आप ECR कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके पास मार्कशीट रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा, वो आपको प्रिंट नहीं करवाना है, ऑब्वियस केस है। लेकिन अगर आप नॉन ECR कैटेगरी में फॉल करते हो तो आपको सारे मार्कशीट्स के प्रिंट निकलवा कर रखने पड़ेंगे, और वो भी आपको सेल्फ अटेस्ट करके रखने पड़ेंगे। बाकी जो 1500 रुपये हैं वो आपको 36 पेज वाले बुकलेट के लिए देने पड़ेंगे, और जो 60 पेज वाला बुकलेट है उसके लिए आपको 2000 रुपये देने। इतना ही प्रोसेस है, ट्राई करो, बताओ मुझे कॉमेंट सेक्शन में। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन वी विल मेक अनदर वीडियो रिगार्डिंग दैट। बाकी की फॉलोइंग अस, दिस इज वंशिका साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।